स्वरण सिंह बोल रहे हैं जी। साढ़े इतने अज असी एजुकेशन फ्रीडम मार्च तो बाद एक मेमोरेंडम आ जिद सेवन डिमांड्स ने असी उन्होंने डिमांड के बारे दसदा। पहला तो साड़ी यह डिमांड है कि स्कूलों एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जिहड़ी इन्हां दे फंडां नूं चैक करे तो की कर रहे हैं। दूसरा जिहड़े हरेक साल सालाना चार्जिज एनुअल चार्जिज या किसी होर भी नाम से लाए जाते हैं वो बंद किए जान। तीजा बुक्स लोगो कॉपी और बुक्स का साडा बहुत बड़ा मुद्दा NCERT दीआं किताबां लगाईआं जाण। चौथा साडा है जदों इह सरकारां इन्हां नूं सस्तियां जमीनां दिंदियां ने स्कूलां वालिआं नूं और इनकम टैक्स दे विच रिबेट दिंदियां ने तां फिर इन्हां नूं अनएडिड दा इन्हां दा दर्जा क्यों नहीं खत्म किया जाता। और उस तो बाद साडा इक होर मुद्दा जिहड़ी PTA आ वो लोकतांत्रिक अते ट्रांसपेरेंट वे नाल चुनी जानी चाहीदी आ। असीं PFO नूं लैटर लिखी सी उन्होंने सानूं इह कहा सी कि स्कूल बिना PTA दी सहमति तो बिना फीस नहीं बढ़ा सकते और ये PTA दे विच अपने बंदे इनकारपोरेट कर देंगे ने। असीं यह चाहते हैं कि PTA जी लोकतांत्रिक ढंग पारदर्शी ढंग चुनी जाए। थैंक यू।